राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सभी को खिचड़ी दान करने की विधि बता रही हूँ। तो ये सबसे पहले हमने मक्के लिए हैं, मक्के के दाने, और ये रेवड़ी ली है। मकर संक्रांति पर जो भी आपने पूजा पाठ के लिए निकाला है वो जरूर दान कीजिए। ये मूँगफली है, मूँगफली भी लीजिए, क्योंकि सही तरीके से किया हुआ दान हमें उसका फल जरूर मिलता है। तो ऐसी कोई वस्तु ना दें जिससे कि दूसरों को भी नुकसान हो। हमें सही और जिस तरह हम खाते हैं, जिस सही तरीके की वस्तु खाते हैं, वैसे ही दान करना है। तो इस तरह से दान दीजिए कि दो व्यक्ति का भोजन आराम से तैयार हो जाए। तो इस तरह से मैंने आधी किलो चावल लिए हैं, और चावल जो भी आप भी अच्छी क्वालिटी के खाते हैं तो वो लीजिए। और इस तरह से गलती कभी मत कीजिए कि जो गलत किया हुआ काम है वो हमें बुरे फल देंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से करना है। तो ये दान हमें स्नान करने के बाद ही करना है, जैसे सुबह स्नान करने के बाद किया जाता है। तो हमें काले दाल की दान करनी है, जैसे कि ये चावल है और ये उड़द की दाल है, और साथ में सफ़ेद तिल है, ये उड़द की दाल है जिसे हम काली दाल भी बोलते हैं, और ये हल्दी है, हल्दी के साथ घी है। घी बिना खिचड़ी के बनती नहीं है, तो घी और खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। तो इस तरह से खिचड़ी का दान किया जाता है। और ये सफ़ेद तिल है, सफ़ेद तिल आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ी जरूर दीजिए, चाहे एक चुटकी ही डालिए, मतलब खिचड़ी देनी है। और इस तरह से अलग अलग करके खिचड़ी नहीं दी जाती, मिक्स करके ही दी जाती है। तो आप इसे मिक्स करके ही दीजिए, काली तिल है। और कुछ दक्षिणा में दीजिए, क्योंकि दक्षिणा तभी सफल होती है दान किया हुआ। उत्तर भारत में यह पर्व खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, और कहीं कहीं खिचड़ी का भंडारा भी किया जाता है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार आप भंडारा भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कच्चा सीधा भी दान कर सकते हैं, ताकि आदमी जो खा सके। जो ये दिन होता है, यह सूर्य और शनि का दिन होता है, तो काली दाल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनि ग्रह दोष से भी हम जुड़ा होता है। तो खिचड़ी को मिक्स करके ही दान दीजिए। और अदरक तरह से हमें सब्जियां देनी है जो खिचड़ी में दी जाती है। तो माघ के महीने में जो संकल्प लिया होता है तो उसे दीजिए। इस तरह से हमें गाजर लेनी है, क्योंकि खिचड़ी में गाजर विशेष रूप से डाला जाता है। तो खिचड़ी को में नमक भी डालते हैं। तो इस तरह से मटर लेने हैं, हरे मटर लीजिए, और आप छीले हुए भी मटर दान दे सकते हैं, क्योंकि ये बुध का प्रतीक होता है, और जो गाजर है ये सूर्य का प्रतीक होता है, क्योंकि सूर्य को लाल रंग विशेष तौर पर पसंद होते हैं, और बुध ग्रह जो गणेश जी के नाम से भी होते हैं। और ये हरी मिर्च को भी आप दान में कीजिए, क्योंकि ये खिचड़ी में डाले जाते हैं। और इस तरह से हमें खिचड़ी का जो सारा सामान होता है वो जरूर डालिए। और जो अदरक है, अदरक खास तौर पर डालना चाहिए, क्योंकि यह इसमें अग्नि तत्व होता है जो सूर्य से संबंध रखता है। तो इस तरह से हमें रखना है। और धनिया भी जरूर दीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि धनिया संकल्प लिया होता है कि माघ के महीने में धनिया नहीं खाएंगे, तो जो लोग ये संकल्प लिए हैं तो उन्हें धनिया जरूर विशेष तौर पर दान करना चाहिए। घर में तो तिल, गुड़, मूंगफली तो हम लाते ही बनाते ही हैं, और कुछ चीज़ें हम बाज़ार से भी लेकर आते हैं। तो उसे लाने के बाद सबसे पहले भगवान के नाम का निकाल लीजिए, उसके बाद ही दक्षिणा में दीजिए। जो गली में सुबह सुबह आते हैं मांगने वाले, तो उन्हें इस तरह से दीजिए। और ये सभी वस्तुएं तभी देना है जिस तरह पहले आचमन करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिना आचमन किए दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो दान नहीं लगता है। तो आचमन करने के बाद ही दान दीजिए, और ज़रूरतमंद लोगों को ही दीजिए, ताकि वो इसका यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। जब ये इस्तेमाल करेंगे तभी हमें इसका फल मिलेगा। तो ये ज़रूरतमंद को ज़रूर दीजिए इस तरह से। और गुप्त दान भी कर सकते हैं, जिस तरह ये पैसे ही आप इसमें छुपा सकते हैं, पैसे छुपाकर भी दान दे सकते हैं, और लड्डू भी छुपाकर दे सकते हैं, इसे गुप्त दान कहते हैं। और जो चीज़ नहीं देनी चाहिए, जैसे प्याज और लहसुन नहीं देना चाहिए, लहसुन और प्याज का दान बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये दान नहीं दिए जाते हैं। हमें शुद्ध दान देना है, सादा भोजन दान करना है, खिचड़ी दान करना है। जितना आपका सामर्थ्य हो आप खुला भी दान कर सकते हैं, आप पैकेट नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा करके किसी मंदिर में ले जाकर दे दीजिए, या फिर जिसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे दीजिए। अगर हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो ज़्यादा शेयर कीजिए, और
अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है आपको तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो हमारी तरह से अपना टाइम उपयोग कर सकें, और लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।